ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमें इस धरा पर कितना बड़ा भाग्य मिला कि भगवान स्वयं साथ दे रहा है। उसने स्वयं कहा है, मैं तुम्हारी छत्र छाया हूँ, मैं अपने अमूल्य रत्नों के साथ सदा ही रहता हूँ। उसने हमें साथ देने का वायदा किया। हमें इसमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये संपूर्ण निश्चय हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाता है। हमें ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि जब भी हम बाबा से कुछ मदद चाहेंगे तब वो हमारी मदद अवश्य करता है, लेकिन यदि हम उसे कैच नहीं कर पाते तो ये हमारी अपनी कहीं गलती है। या तो हम सवेरे नहीं उठते, या उसके महावाक्य नहीं सुनते, या बुद्धि की लाइन को क्लियर नहीं रखते, तो उसकी टचिंग को, उसकी मदद को कैच नहीं कर पाते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। कोई भी बाप संसार में ऐसा नहीं होता जो बच्चे पर मुसीबत आए और बाप मदद न करे। वो हमें निरंतर मदद करने के लिए तत्पर है। इसी तरह स्वयं में विश्वास, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा हर समय बहुत कल्याणकारी है, मेरे साथ जो कुछ होगा वो मेरी भलाई के लिए होगा, उसमें मेरा कल्याण छुपा होगा, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाप मेरा साथी बना है। इसमें विश्वास, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, इस माया पर और इन परिस्थितियों पर मैं सहज ही विजय प्राप्त कर लूंगा, कर लूंगी। ये स्वयं में विश्वास। अपने में कभी भी निराशा ना आए, मुझसे नहीं होगा, मेरी शक्तियों से बाहर की चीज है ये, मैं तो बार बार हार मान चुकी हूँ, अब जीत भला कैसे होगी। लेकिन बार बार हारने वाले भी जीत के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं, ऐसा इतिहास गवाह है। तो हमें स्वयं में भी बहुत बहुत विश्वास रखना चाहिए। और तीसरा विश्वास रखना चाहिए अपने श्रेष्ठ भाग्य में, अपने इस विशाल ड्रामा में, अपने हीरो पार्ट में। मेरा भाग्य ही बहुत महान है अगर परिस्थितियां जीवन में आ रही हैं। ये तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है और ये सब अब विदाई लेने वाला है। इन सब को हमें अब समाप्त कर देना है। ऐसी गुड फीलिंग से हमें निश्चिंत रहना चाहिए और ये जान लेना चाहिए, जितना हम निश्चिंत होंगे बाबा हमारी चिंता करेंगे, और जितना हम निश्चिंत होंगे समस्याएं उतनी ही समाप्त होती रहेंगी। और यदि हम चिंताओं की अग्नि में जलते रहेंगे तो हम नहीं जलेंगे, हमारी शक्तियां जल जाएंगी और ये चिंताओं की अग्नि परिस्थितियों की अग्नि को और प्रज्वलित कर देगी। इसलिए इन रहस्यों को समझते हुए, बाबा में निश्चय विश्वास और नशा रखते हुए, अपने भाग्य और पाठ में निश्चय और नशा रखते हुए हमें अचल अडोल स्थिति को प्राप्त करना है। हमारी तो यादगार है महाविष्णु से सैया पर लेते हुए, देख लें अचल अडोल, माया को अपना से सैया बना दिया। चारों ओर सागर में लहरें हैं परंतु कोई प्रभाव नहीं। याद करें, ये मेरी यादगार है, अपना ये स्वरूप सामने लाया करें तो वही स्वरूप हमारा भी बन जाएगा। तो आज सारा दिन हम अपने महान पूज्य स्वरूप को सामने रखेंगे। चाहे मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ, चाहे मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, और चाहे मैं ये महाविष्णु हूँ, शेषैया पर विराजमान अचल अडोल, ये मेरी यादगार है। और
इस समय सर्वशक्तिवान मेरा गाइड है, वो मेरा साथी है, उसका हर घंटे में आह्वान करेंगे, आ जाओ, और उसकी उपस्थिति को फील करेंगे। ओम शांति।